हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यस एनएफटी। तो गाइस, आज लेके आया हूँ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक सिंपल टेक्निक का यूज करके मैंने कमाए $10 फ्रॉम द ट्वाइलाइट चैलेंजर सीरीज। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपने देखा होगा मेरे पहले के वीडियोस में कि मैं गेम प्लेज में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और आप लोगों ने अगर पहले मेरे वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ मैं लेफ्ट साइड पे हिट करता हूँ बॉल को, और पूरा टूर्नामेंट मैंने लेफ्ट साइड हिट करके ही खेला था। तो चलिए 2x स्पीड में देखते हैं पूरा गेम प्ले, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी तक आपको पता लग गया होगा सिर्फ मैं ऑफ साइड ही खेलने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो ऑफ साइड ही खेलूँगा मैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ लेग साइड खेला था, यहाँ मैं सिर्फ ऑफ साइड खेलता हूँ। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, पर एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा किया जा सकता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बॉल को हिट किया। ऐसा नहीं है कि आप विकेट नहीं देंगे, आपका विकेट भी लूज होगा। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि आप टॉप 10 में तो ऐसे नहीं आ सकते। ऐसा खेल के आप टॉप 10 में आना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि टॉप 10 के लिए आपको चाहिए एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 4 हिट्स, जो इस तरीके के गेम प्ले से आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके के गेम प्ले से आपको टॉप 50 में रह सकते हो, पर टॉप 10 में नहीं। ऐसा खेल के मैं 25th पोजीशन में रहा, एक बार मैं 32 पोजीशन में रहा, पर मैं टॉप 10 ऐसे क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे एक अच्छा क्या होता है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता। आप आराम से खेल सकते हो, क्योंकि आपको जो भी बॉल आए, आपको जब पता है कि आपको सिर्फ एक ही जगह हिट करना है, हर बॉल को एक ही जगह हिट करना है, तो आप बिना टेंशन के खेल सकते हो। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था दिन में, फिर रात को मैच स्टार्ट हो जाता है, आपके ऊपर टेंशन, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, तो ऐसा खेलो, एक साइड खेलो। आप देख सकते हो, कभी लेफ्ट साइड ट्राई करो, कभी राइट साइड ट्राई करो, तो कोई ना कोई हिसाब तो यहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं राइट साइड खेल रहा हूँ और काफ़ी विकेट भी मैं गंवाता हूँ, पर ये मेरा कवर अप हो जाता है, क्योंकि ऐसा खेलने से आपको कंटिन्यूसली 1-2-3 रन मिलता रहता है, और ओवर्स के बीच में चौके छक्के लग जाते हैं। क्योंकि इतनी बार आप एक ही साइड खेलोगे तो ये भी अंदाज़ा आपको लग जाता है कि आपको परफेक्ट कब दबाना है, कब बटन को क्लिक करना है, कौन से बॉल किस टाइमिंग पे आ रहा है, ये मैच के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब परफेक्ट बैठ जाता है तो 4 और 6 लग जाती है, तो ऐसे में जीत जाता हूँ एक अच्छे स्कोर के साथ, 41 का स्कोर। जो आप टेंशन लेके खेलते हो, सीधा मारते हो, कैच हो जाता है, लेफ्ट साइड खेलते हो, पीछे की तरफ खेलते हो, तो ऐसा मैंने नहीं किया। ये मैं नहीं बोलता कि हर मैच में ऐसा आप कर पाओगे। ऐसा होता क्यों है, कभी कभी होता है बॉलर फ्रेंडली पिच, कभी कभी होता है बैट्समैन फ्रेंडली पिच। बैट्समैन फ्रेंडली पिच जब होता है, जहां चौके छक्के लगते हैं, वहां पे ऐसा खेल सकते हो। देखिए, पीछे के साइड पे मैंने खेलने का ट्राई किया और 6 लगा, तो मतलब देखिए मैं राइट साइड में खेल रहा हूं, यहां पे गुड बॉल पे मुझे मिलेगा अभी आराम से 3 रन, कोई झंझट नहीं। ओपोनेंट खेलने का ट्राई कर रहा है, वो आउट हो रहा है, पर मैं यहां पे 4, 6, 3, 3 ऐसा रन मेरा आराम से बन रहा है। तो ओवर का आखिरी बॉल बिना किसी नुकसान के मैंने खेल लिया है और मिला मुझे 1 रन। मैं रुकी प्लेयर से ही खेलता हूँ, अभी तो मैंने एक बैट भी ले लिया है, आपको पता है, इसलिए मेरा -4 होता है जब मैं आउट होता हूँ। पर 2x के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 2x को मैं जब भी यूज़ करता हूँ, या तो मैं आउट हो जाता हूँ, या तो कैच हो जाता है, या तो सिर्फ मुझे 1 रन ही मिलते हैं। तो 2x को यूज़ करके भी मुझे 2 रन मिलते हैं। मैंने 2x के साथ मेरा ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे 8 रन या 12 रन मिले हो। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। आप मुझे कमेंट पे बताना कि आप लोग भी जब 2x को यूज़ करते हो तो आउट हो जाते हो। तो चलिए, दूसरा ओवर भी ख़त्म होने वाला है। मैं लगातार बिना सोचे समझे आराम से राइट हैंड साइड खेल रहा हूँ, ऑफ साइड खेल रहा हूँ। ये थोड़ा पीछे के साइड खेलने का ट्राई करेंगे, पर ऑफ साइड ही जाएगा बॉल, कोई बात नहीं। लेग साइड मैंने छुआ भी नहीं अभी तक। सारे मैचेस में ऐसे ही खेलूँगा, आप देखना।
ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, ये देखिए परफेक्ट से थोड़ा कम और मैं यहाँ पे आउट। पर मेरा स्कोर देखिए, ऐसा खेलते खेलते 2 रन 3 रन खेलते खेलते मैं पहुँच गया 32 रन पे, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है। अभी यहाँ पे छक्का भी लग चुका है, 38 रन बन गए। ये पीछे की साइड खेलने गया और बैट को टच ही नहीं हुआ बॉल। चलिए वापस ऑफ साइड खेलेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे रन मिलते जाए। यहाँ 40 रन हो रहे हैं मेरे, 40 रन मैं बना रहा हूँ बिना टेंशन के, और मैं जीतता हूँ $10 एक दिन का ऐसा खेल के, तो क्या बुराई क्या है इसमें, बहुत अच्छा। यहाँ लास्ट बॉल और मैं आउट, पर बहुत ज़्यादा मैंने कवर कर लिया था, मार्जिन काफ़ी अच्छा रखा मैंने यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही दिखाऊंगा आपको मेरा तीसरा मैच, पहला बॉल और ए आउट। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जजमेंट पहले बॉल पे नहीं बैठ पाता, मैं मारने का ट्राई करता हूँ और आउट होता हूँ, पर सेकंड बॉल पे ही मैंने ये कवर कर लिया है। 6 सेम शॉट और यहाँ मिलेंगे आराम से बिना किसी टेंशन के 3 रन। तो ऐसे ही खेलना है आपको, आप भी बताइए। एक वीडियो में बना चुका हूँ पहले, जब मैंने लेग साइड खेला था, इस वीडियो में मैं ऑफ साइड खेल के दिखा रहा हूँ, और कोई टेंशन नहीं, आराम से खेल रहा हूँ। हर बॉल पे बॉल चाहे कुछ भी आने दो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैक पे खेल रहा हूँ, पीछे की साइड पे खेला मैंने 1-2 बॉल, पर मैक्सिमम 99% बॉल सेम शॉट। और देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया है, मैं 8 मैच में से 6 मैच जीता हूँ यहाँ पे। कभी कभी 8 मैच मैंने जीता है, पर वो होता है कि आप टॉप 10 में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपका एलबी पॉइंट्स कम होता है, क्योंकि ऐसे खेलने से आपको 2-3 रन ज़्यादा मिलता है, चौके और छक्के कम मिलते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपको चौके छक्के बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको एक ओवर में एक चौका या एक छक्का मिल सकता है, क्योंकि वो परफेक्ट बैठ जाता है इसलिए। और ऐसे आराम से खेलिए, क्या दिक्कत है। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और आप सजेस्ट कीजिए मैं नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाऊँ, आपको कौन सी साइड देखना है, स्ट्रेट बचा हुआ है और पीछे के साइड बचा हुआ है। तो ऐसा मैं अगर एक वीडियो लाने का ट्राई करूँगा जिसमें मैं पीछे के साइड पे खेलता हूँ। बेहतरीन शॉट, मैं हूँ 20 पे, ओपोनेंट है 13 पे, या अभी वो 14 पे पहुँच चुका है, मैं 23 पे पहुँच चुका हूँ। और ये देखिए लेफ्ट साइड पे भी मैंने स्ट्रोक नहीं किया, लॉक बटन नहीं दबाया मैंने, सिर्फ मैंने स्ट्रोक किया है। और आजकल नया फील्डिंग एनिमेशन बहुत बढ़िया, ऑफ साइड की तरफ, मतलब 99% बॉल मैंने सेम शॉट खेला है, और बढ़िया टाइमिंग एकदम बैठ जाता है जब एक ही शॉट को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, एक ही जगह खेलने का ट्राई करते रहते हो, तभी आपको पता लग जाता है कि कब उसको हिट करना है। लगातार 2 चौके देखे यहाँ पे, काफ़ी आगे निकल चुका हूँ मैं। और लास्ट बॉल ऐसे आराम से छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। तो आप दूसरा मैच देखिए, ये वापस से कनेक्ट हुआ है, इस मैच को भी मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।